जय श्री राम, जय श्री बालाजी। सो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं खाटू श्याम से। अब हम जा रहे हैं सालासर, कुछ देर के लिए रास्ते में रुके हैं लंच करने के लिए। ये लोकेशन बहुत अच्छी लगी है, पूरी राजस्थान स्टाइल में। अभी दिखाते हैं आपको होटल की लोकेशन। सामने सेपरेट हट टाइप में कैबिन बनाया हुआ है और कुछ इस तरह की है होटल की लोकेशन। चलिए एक बार अंदर से दिखाते हैं आप सभी को। पीछे दीवार पर ये सुंदर सीनरी राजस्थानी कल्चर की। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम निकल चुके हैं होटल से और जा रहे हैं सालासर की ओर। ये बाहर का सुंदर दृश्य, रेत के टीले बने हुए, पूरे राजस्थान वाली फील आ रही है। हाँ जी, जय श्री श्याम चाई जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय श्री श्याम जय। कैसा महसूस हो रहा जी इत्थे बाबा श्याम दे और सालासर बाला जी आके? हाँ, सोने दर्शन हो गए ने। पहले भी आई सी मेरी दादी रानी के? नहीं नहीं पुत्रा, पहले को नहीं आए किधरे, तुसी हुण लैंदा ते आ गए। चलो ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤਾ ਦਏ ਭਗਵਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਗਾਈਸ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਅਭੀ ਹਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਸੇ ਸਾਲਾਸਰ ਬਾਲਾ ਜੀ। ਅਭੀ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਮੇਂ ਜਾਏਂਗੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। अभी हम रुके हुए हैं अपनी धर्मशाला में, कुछ समय यहाँ रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे बालाजी के दर्शन करने। तो चलिए चलते हैं और आप सभी को भी करवाते हैं बालाजी के दर्शन। प्रेम से कहिए जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, राजस्थान के चूरू जिले में हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो सालासर बालाजी के नाम से जाना जाता है। जितने ही बालाजी की प्रकट होने की कथा चमत्कारी है, उतने ही बालाजी भी चमत्कारी हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने वाले हैं। बालाजी के एक भक्त थे मोहनदास, इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी ने इन्हें मूर्ति रूप में प्रकट होने का वचन दिया। इस वचन को पूरा करने के लिए बालाजी ने नागौरी जिले के असोटा गाँव में 1811 में मूर्ति रूप में प्रकट हुए। इसकी भी एक रोचक कथा है। असोटा का एक जाट खेत जोत रहा था, इतने में उसका हल एक कठोर चीज से टकराया। जब उसने उसे खोद कर देखा तो एक पत्थर था। जाट ने उसे साफ करके देखा तो उसमें बालाजी की छवि नजर आई। इतने में जाट की पत्नी खाना लेकर आई। पहली बार जाट ने बालाजी को चूरमे का भोग लगाया। यही कारण है कि बालाजी को चूरमे का भोग लगाया जाता है। जिस दिन मूर्ति प्रकट हुई उसी रात बालाजी ने सपने में आकर असोटा के ठाकुर को अपनी मूर्ति को सालासर ले जाने को कहा। और दूसरी तरफ मोहन राम जी को सपने में यह निर्देश मिला कि सालासर पहुंचने के बाद बैलगाड़ी को कोई नहीं चलाएगा। बैलगाड़ी सालासर पहुंचने के बाद अपने आप जहां रुक जाएगी, मूर्ति को वहीं स्थापित किया जाएगा। और सपने में मिले निर्देश के अनुसार मूर्ति को स्थापित किया गया। पूरे भारत में एकमात्र सालासर में दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी यानी के बालाजी स्थित हैं। इसके पीछे मान्यता यह है कि मोहन राम जी को पहली बार बालाजी ने दाढ़ी मूछ में ही दर्शन दिए थे, इसीलिए मोहन राम जी ने उनको इसी रूप में प्रकट होने के लिए कहा था। बालाजी के बारे में एक रोचक बात यह है कि बालाजी के मंदिर का निर्माण करने वाले कारीगर मुसलमान कारीगर थे, जिनमें नूर मोहम्मद और दाऊ का नाम शामिल है। बालाजी की धुनी को भी चमत्कारी माना जाता है। कहते हैं कि मोहनदास जी ने यह धुनी 300 साल पहले जलाई थी और यह आज भी अखंडित प्रज्वलित है। बालाजी के मंदिर की कुछ ही दूरी पर श्री अंजनी माता मंदिर भी स्थित है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सभी प्रेम से कहिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी।